0207003200। नमस्कार, हम मौजूद हैं हर हाल में हर वक्त, आपकी आवाज बनकर बेखौफ आजाद आवाज। जामिया मिलिया इस्लामिया और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में छात्रों के साथ हुई हिंसा को लेकर सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल की गई थी। इन अर्जियों पर सुप्रीम कोर्ट ने जो भी कहा है वो अपने आप में हैरान करने वाला है। इन अर्जियों पर सुप्रीम कोर्ट ने अर्जी दाखिल करने वालों से कहा कि वो पहले हाईकोर्ट जाएँ, जब हाईकोर्ट से कोई फैसला आएगा उसकी बुनियाद पर सुप्रीम कोर्ट आगे सुनवाई करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा कि वो दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद फैक्ट फाइंडिंग कमेटी भी बना सकता है। चीफ जस्टिस एस ए बोबड़े ने कहा है कि हम कोई ट्रायल कोर्ट नहीं है, पूरे देश में हो रही हिंसक घटनाओं की सुनवाई हमारे यहाँ नहीं हो सकती। जामिया और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की तरफ से केस लड़ रही वकील इंदिरा जयसिंह ने कोर्ट में कहा कि एक से ज़्यादा राज्यों में हिंसा हुई है, इसलिए इस मामले की जाँच एक SIT द्वारा होनी चाहिए। इस मामले की सुनवाई के लिए इंदिरा जयसिंह ने तेलंगाना एनकाउंटर की सुनवाई का हवाला दिया। सुप्रीम कोर्ट ने किसी की गिरफ्तारी पर भी रोक नहीं लगाई है। उधर OP जिंदल यूनिवर्सिटी के छात्रों ने कल ही कहा था कि जब सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही साफ कर दिया है कि जब तक बहुत देर नहीं हो जाती वो सुनवाई नहीं करेगा, तो अब ज़रूरत है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग छात्रों के समर्थन में आए। मेरे साथ हैं बातचीत के लिए सीनियर जर्नलिस्ट पॉलिटिकल कमेंटेटर मनीष छिब्बर, सीनियर जर्नलिस्ट पॉलिटिकल कमेंटेटर सतीश जेकब। आप दोनों का बहुत धन्यवाद अपना समय देने के लिए। मेरा पहला सवाल सतीश आपसे है, संक्षेप थोड़ा जवाब चाहूँगा। हम ट्रायल कोर्ट नहीं हैं, पहले हाई कोर्ट जाएं, उसके फैसले के बाद हम सुनवाई कर सकते हैं और फैक्ट फाइंडिंग कमेटी भी बना सकते हैं। यकीनन सुप्रीम कोर्ट कानून के दायरे में चल रहा है, लेकिन ऐसा करके ऐसा इसने क्यों कहा? क्या ये मामले को ठंडे बस्ते में डालने की बात नहीं है? साफ जाहिर है जी, जिस तरीके से उन्होंने कहा है कि हम ट्रायल कोर्ट नहीं हैं और उन्होंने ये भी कहा कि हम एक कमेटी भी बैठा सकते हैं, तो इसका मतलब ये है कि क्रिकेट की लैंग्वेज में कहते हैं लंबी इनिंग खेलने वाले हैं। और इस मामले में जो हुआ है इसमें पूरे देश में लोग बहुत ज़्यादा परेशान और गुस्से में हैं जी। इसको लंबा खींचने में देश को हर तरीके का नुकसान हो सकता है, विद नुकसान भी होगा, इमोशनल पॉलिटिकल हर किस्म का नुकसान होगा। तो जी 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 प्लीज मुकम्मल कीजिए। तो जजेस को ये चीज़ को सोचना चाहिए कि ये कोई मामूली केस नहीं है जी। मनीष, मैं आपसे जानना चाहता हूँ, जैसे सतीश बता रहे हैं कि प्रोलॉन्ग करने के नुकसान, आपको क्या क्या इम्प्लीकेशन दिखती हैं इसकी? देखिए, मुझे ये बड़ा हास्यपद लगता है। हमारा जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है, मैं ये बात कई बार पब्लिक फोरम में भी कह चुका हूँ कि एक कोई कंसेंसस नहीं है कि वो क्या किस विषय पे क्या रुख लेगा, कोई क्लैरिटी नहीं है। जब आपका दिल करता है दिल्ली में पोल्यूशन है तो आप बैठ जाते हैं, आप कहते हैं हम सुनेंगे, तब तो आप हाईकोर्ट, दिल्ली हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के बीच में 2 किलोमीटर का फासला भी नहीं है, तो आप कहिए उनको सुप्रीम कोर्ट ना आए, सीधा पहले दिल्ली हाईकोर्ट जाइए। यहाँ तो लोगों की लाइफ और लिबर्टी का सवाल है और ये एक ऐसा विषय है जो पूरी दुनिया जिस पे भारत पे नज़र रख रही है। अब आप उसमें कह रहे हैं पहले आप राज्यों पे जाइए, मैं सुप्रीम कोर्ट पे सवाल उठाने वाला कोई नहीं हूँ और उठाना भी नहीं चाहिए, लेकिन आप कम से कम आज ये तो डिसाइड कीजिए कि ये फलां फलां केस हम लोग सुनेंगे पहली एज ए फर्स्ट रिजॉर्ट, और ये केसेस हैं जो आप पहले हाईकोर्ट से फैसला लाइए, हम कोर्ट ऑफ अपील होंगे। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इकलौती ऐसी कोर्ट है भारत में जो जिसके पास ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन भी है और अपेलेट ज्यूरिसडिक्शन भी है। अब आप, लेकिन प्रॉब्लम तब उठती है, सवाल तब उठते हैं जब आप छोटे छोटे केसेस तो लेना शुरू कर देते हैं, लेकिन इतना बड़ा केस जहाँ लाखों छात्र छात्राएं सड़कों पे हैं, पूरी रात रात वो कैंडल लाइट मार्च निकाल रहे हैं, और आप कह रहे हैं पहले आप स्टेट्स में जाइए, तो आप फिर एक निर्धारण कीजिए ना, आप डिसाइड कीजिए कि ये केस हम लेंगे ये नहीं लेंगे जी। जैसा हमारे मेहमान बता रहे हैं कि मामला अब सिर्फ भारत तक महदूद नहीं है, अमेरिका के हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, येल यूनिवर्सिटी, कोलंबिया, स्टैनफर्ड, टफ समेत 19 यूनिवर्सिटीज़ के छात्रों ने जामिया मिलिया इस्लामिया
और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के छात्रों के साथ हुई हिंसा को लेकर एक चिट्ठी लिखी है। इस चिट्ठी में लिखा है कि वो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के खिलाफ है और भारत में छात्रों के प्रोटेस्ट के साथ जो हुआ वो उसकी आलोचना करते हैं। अमेरिका के स्टेट डिपार्टमेंट के स्पोक्स पर्सन ने कहा कि वो भारत के प्रशासन से ये कहना चाहते हैं कि जो लोग शांति से विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं उनकी इज्जत करें और प्रदर्शनकारी भी हिंसा से दूर रहें। उन्होंने ये भी कहा कि भारत और अमेरिका दोनों लोकतांत्रिक देशों में लोगों को धार्मिक स्वतंत्रता और बराबरी का हक देते हैं, इसलिए अमेरिका का भारत से एक कहना है कि वो अपने संविधान और लोकतांत्रिक मूल्यों के तहत अल्पसंख्यकों के अधिकारों की सुरक्षा करें। लंदन में भी असम के लोगों ने सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के खिलाफ प्रदर्शन किया। विदेशी मीडिया ने भी सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के खिलाफ हो रहे प्रोटेस्ट को कवर किया है। द गार्डियन ने लिखा है, इंडियन स्टूडेंट्स जॉइन फियर्स प्रोटेस्ट्स अगेंस्ट एंटी मुस्लिम सिटीजनशिप लॉ। न्यूयॉर्क टाइम्स ने लिखा है, प्रोटेस्ट स्प्रेड अक्रॉस इंडिया ओवर डिवाइसिव सिटीजनशिप बिल। अल जजीरा ने लिखा है, इंडिया पुलिस स्टॉर्म जामिया AMU टू ब्रेक सिटीजनशिप लॉ प्रोटेस्ट्स। मेरा दूसरा सवाल आप दोनों से ये है सतीश, मामला अब भारत तक महदूद नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। बांग्लादेश के दो मंत्री ने अपना दौरा रद्द किया है, जापान के प्रधानमंत्री ने अपना दौरा रद्द किया है, बांग्लादेश ने यहाँ तक कहा है कि घुसपैठियों की लिस्ट दीजिए, हम उनको वापस ले लेंगे। ये मामला किस हद तक इंटरनेशनल होता जा रहा है? ये शुरू में जब आपको याद होगा जब 370 को उन्होंने एब्रिगेट किया था तो हर जगह मोदी जी ये कह रहे थे ये हमारा घर अंदरूनी मामला है जी, इसमें कोई हम नहीं चाहते कोई दखल दे। अगर उसको ये सोचते हैं कि ये भी इनका अंदरूनी मामला है तो ये एक बहुत बड़ी गलतफहमी है इनकी। इस वक्त हर जगह से रिएक्शन हुए हैं। आपने अभी कई यूनिवर्सिटीज़ का अमेरिकन का आपने नाम लिए। आज अभी शाम को मैं देख रहा था BBC, ऑक्सफर्ड यूनियन के प्रेसिडेंट ने कहा कि वी आर वेरी वरीड। उन्होंने कहा कि हम बहुत चिंतित हैं कि जिस तरीके से छात्रों के साथ बर्ताव हुआ है, और उसने ये कहा कि सिर्फ लड़कों पर ही नहीं बल्कि महिलाओं के ऊपर भी पुलिस ने लाठियां मारी हैं। उन्होंने कहा ऐसा हम कभी सोच नहीं सकते थे और हमें इसका बड़ा दुख है, और उन्होंने कहा कि हमारी उनके साथ सिंपैथी है और हम यहाँ डेमोन्स्ट्रेशन करेंगे जी। मनीष, मैं जानना चाहता हूँ, अंग्रेजी का शब्द है ब्रेजन, एक होती है शर्म, एक होती है बेशर्म। बेशर्मी की अगली जो हद होती है वो बेहयाई होती है, बेहयाई की अगली हद होती है ढीठपन। तो ब्रेजन और ढीठ ये कहीं नज़दीक आते हैं। इस पूरी अप्रोच में आपको क्या दिखता है कि संवेदनहीनता, इनसेंसिटिविटी क्यों है? सर देखिए, ये कहने की बात नहीं है, और मोदी जी और इनके सरकार के मंत्रियों को ये बार बार बताने की भी ज़रूरत नहीं है। ये लोग तो खुद कहते हैं, इस सरकार में ही कितने मंत्री हैं जो कहते हैं हम स्टूडेंट पॉलिटिक्स से ऊपर आए। जेटली साहब जब जिंदा थे तो कई बार उन लोग वो कहानियाँ सुनाते थे जब वो DSU के प्रेसिडेंट थे। तो आप अपने छात्रों से और छात्राओं से इतना क्यों डर रहे हैं? आप उनसे बात कीजिए। कोई देखिए, इनमें से कोई देश के हित के खिलाफ नहीं जा रहा है, कोई ये नहीं कह रहा है कि हम देश को आग लगा देंगे, कुछ ऐसा नहीं है। विरोध, डेमोक्रेसी में विरोध करना और शांतिपूर्ण विरोध करना, ये आपका कॉन्स्टिट्यूशन आपको दे रहा है। अगर आप विरोध, अगर अंग्रेज़ों ने विरोध रोका होता तो शायद हम आज भी गुलाम होते, शायद गांधी जी को वो उठा के वापस भेज चुके होते। तो ये मेरे को लगता है आपने एक नॉर्मल इशू था, उसको आपको समझना चाहिए था, लोगों की भावना जुड़ी है इसमें। अब अनफॉर्चुनेटली गवर्नमेंट को लगता है कि हम इसको ब्रेजनेट आउट करें कि जैसे वो होता है ना कि कबूतर आंख बंद कर लेता और सोचता बिल्ली उसको देख नहीं रही है। अभी भाई साहब, बिल्ली आपकी आंख बंद है, बिल्ली की तो खुली है, सारी दुनिया आपको देख रही है। आप मतलब भारत की चर्चा हो रही है और अच्छे काम के लिए नहीं हो रही है। हम लोग चाइना के साथ साथ कदम से कदम मिला रहे थे लोगों को। इनफैक्ट कई कंट्रीज थी जहाँ ये बात होती थी कि भारत चाइना को पीछे छोड़ेगा। अब हम पाकिस्तान से अपनी तुलना कर रहे हैं, पाकिस्तान के साथ अपने को कंपेयर, और ये हम लोगों ने खुद किया है, किसी बाहर वाले ने नहीं किया है। तो अब पता नहीं ये ब्रेजनेट आउट कब तक चलेगा, क्योंकि छात्र
जो सड़कों पे है और जिस हिसाब से उनको सपोर्ट मिल रही है, ये मेरे को मुश्किल लग रहा है कि ये इशू इतनी जल्दी ब्रेजनेट आउट होगा। क्योंकि अगर आपको याद होगा मंडल कमीशन के जब प्रोटेस्ट शुरू हुए थे तब भी उस समय भी हम लोगों ने शुरू शुरू में यही सुना था कि ये तो बस थोड़े दिन में हो जाएगा, थोड़े दिन में हो जाएगा, लेकिन मंडल कमीशन के बाद वीपीसी की सरकार को जाना पड़ा था। बहरहाल, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के खिलाफ चल रहे प्रदर्शन के बाद जो जामिया मिलिया इस्लामिया और अलीगढ़ में मुस्लिम यूनिवर्सिटी में जो कुछ भी हुआ उसके विरोध में सबसे ज़्यादा खुलकर प्रदर्शन छात्रों ने ही किया। देश भर की यूनिवर्सिटीज़ के छात्र सिर्फ जामिया और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के छात्रों के साथ हुई हिंसा के खिलाफ नहीं खड़े हुए, बल्कि वो देश के कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने के लिए खड़े हुए हैं। छात्र कॉन्स्टिट्यूशन का प्रीएम्बल पढ़ रहे हैं जगह जगह पर। उनका कहना है कि ये देश जितना हिंदुओं का है उतना ही मुसलमानों और दूसरे मजहब के लोगों का है। छात्रों का कहना है कि अगर इंडिया सेक्युलर नहीं है तो इंडिया इंडिया नहीं है। छात्रों ने कहा कि पुलिस की लाठी से तेज़ उनके विरोध की आवाज़ है। छात्र महात्मा गांधी, अंबेडकर, भगत सिंह की तस्वीरों के साथ प्रदर्शन कर रहे हैं। छात्र कह रहे हैं कि हम सो रहे हैं और हमारा लोकतंत्र मर रहा है। छात्रों ने यह भी कहा कि उन्हें पुलिस की लाठी गोली नहीं बल्कि रोजगार और शिक्षा चाहिए। कन्हैया कुमार एक युवा नेता हैं, उन्होंने कल अपनी रैली में कहा था कि अगर सरकार हमें इस देश का नागरिक नहीं मानती तो हम सरकार को अपनी सरकार नहीं मानते। मेरा तीसरा सवाल है आप दोनों मेहमानों से, सतीश, मोदी शाह की जोड़ी और सरकारी एजेंसियों ने इस स्तर का विरोध होगा भारत में भी और विदेशों में भी, क्या इसको फैक्टर इन किया होगा? जिस प्रकार का रिकॉर्ड मोदी और शाह को हम देख रहे हैं गुजरात से, काफ़ी कुछ कुछ हुआ, कई जगह इन्होंने अपने उनके खिलाफ जो मुकदमे थे उनको दबाए, ख़त्म करे, ब्रेजनली उन्होंने सोचा कि वो सिर्फ स्टेट में नहीं बल्कि पूरे भारत में कर सकते हैं। एक बड़ी अजीब बात मुझे शाम को मैंने टेलीविज़न पे देखा कि उद्धव ठाकरे ने ये कहा है कि ये जो प्रदर्शनों के ऊपर जो लाठी चार्ज हुआ है पुलिस का जामिया में और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में, उसने कहा यह जलियांवाला बाग से कम नहीं है। अच्छा, आज कहा उसने कि ये जलियांवाला बाग से कम नहीं है जो आज हो रहा है। तो ये बहुत संगीन मामला है और ये लोग सोच रहे हैं कि ये मामूली चीज़ है। बड़े अफसोस की बात है कि इनको ये हो गया है कि जिस किस्म की इनको ये जो इनको एक मेजॉरिटी मिली है और मेजॉरिटेरियन रूल ये चला रहे हैं और ये सोच सकते हैं कि ये स्ट्रीम रोल करेंगे, इनकी बहुत बड़ी, मैं कहता हूँ इनका डाउनफॉल शुरू हो गया। मनीष, आप क्या कहेंगे? देखिए, मेरे को नहीं पता इनका डाउनफॉल शुरू हुआ या नहीं हुआ, वो हमारा काम नहीं है, मेरा काम नहीं है। हम तो जर्नलिस्ट हैं, हम लिखते हैं, रिपोर्ट करते हैं, लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि अब आप देखिए गुजरात की निर्मा यूनिवर्सिटी के छात्र छात्राएं भी प्रोटेस्ट कर रही है, चिट्ठियाँ लिख रहे हैं, ठीक है, सपोर्ट में नहीं लिख रहे हैं, सिटीजनशिप बिल के अगेंस्ट लिख रहे हैं, लॉ के अगेंस्ट लिख रहे हैं। सो मेरा ये मानना है कि जब छात्र इतने लार्ज नंबर्स में बाहर आते हैं वो किसी सरकार के लिए सुख की बात नहीं है, उसमें सरकार दुखी होनी चाहिए। और क्योंकि अब देखिए जब 2014 में 13 में मोदी का ग्राफ ऊपर चढ़ना शुरू हुआ, सबसे बड़ा फैक्टर था कि यूथ जो था वो मोदी जी के साथ था। आज इस बात की गारंटी इस सरकार को ख़त्म है। उनको देखिए, जो आपने भी अभी जिक्र किया, लोग जो हमारे छात्र छात्राएं हैं वो क्या चाहते हैं? वो चाहते हैं हम आराम से क्लास में जाए, पढ़ाई करें, उसके बाद जो अपने दोस्तों वगैरह के साथ घूमना फिरना, अपना शाम की पढ़ाई करें, रात में जाएं, थोड़ी देर टीवी पे प्रोग्राम देखें, अपना होमवर्क करें या अगर काम करना है कुछ करें, और उसके बाद अगले दिन के लिए की तैयारी करें, और अगले दिन सुबह सेम आपका सिस्टम दोबारा चलता है। अभी क्या है, आपने सिस्टम तोड़ दिया है और ये जानबूझकर किया गया है। ऐसा नहीं है जो आपने कहा ना कि क्या इन लोगों ने सोचा नहीं था, इन्होंने सोचा था लेकिन इतना नहीं सोचा था। इनको ये था, मैंने आपको कहा ना कि मंडल के टाइम पे हमने ये बात बार बार सुनी कि तो थोड़े दिन में ख़त्म हो जाएगा, यही सेम नैरेटिव अभी चल रहा था। अब आप देखिए कश्मीर, इन्होंने कहा ये थोड़े दिन में हो जाएगा, अभी सारी दुनिया को आप कह रहे हैं कि सब ठीक है, सब ठीक है। जिस दिन आप वहाँ इंटरनेट खोलेंगे, जब आप लोगों को छूट देंगे बाहर आने की, तब बात करिएगा वो ठीक है या नहीं है।
मोदी जी जब से ये प्रोटेस्ट शुरू हैं 3-4 दिन से, वो एक ही चीज़ कह रहे हैं, वो ये कह रहे हैं ये सब कुछ जो है वो कांग्रेस पार्टी है, ये जो अपोजिशन वाले वो करा रहे हैं। अब जनता क्या इतनी ज़्यादा बेवकूफ़ है कि उनकी आँखें क्या बंद हैं, वो देख नहीं सकते? आप ठीक है, आपने सोच लिया कि साहब हर काम अपोजिशन करा रहे, ये अपोजिशन ने इतना लाचेज करा है जी, ये तो सोचने वाली। दूसरी बात कि अभी आपने कहा कि सारी जगह स्टूडेंट बाहर आ गए, जैसे इन्होंने अभी बताया कि गुजरात में भी आ गए, केरला में, तमिलनाडु में, मध्य प्रदेश में, हर जगह जहाँ पे इनका इनका सपोर्ट थी वहाँ के लोग इनके खिलाफ़ बोल रहे हैं जी। बहरहाल हकीकत तो ये है कि हमारा विपक्ष जो था वो तो अपने दड़बों में दुबका हुआ था, सर्दियाँ हैं, बहुत बाहर निकलना मुश्किल था। ये छात्र ही हैं जो सड़कों पर उतरे हैं और उनसे हौसला लेकर विपक्षी पार्टियाँ भी सामने आई हैं। दूसरी बात, यूनिवर्सिटीज़ जो होती है वो सिर्फ पढ़ाई करने के लिए नहीं होती है, मानते हैं कि यहाँ दिमाग गीली मिट्टी की तरह होते हैं, जो बनते हैं बिगड़ते हैं फिर से बनते हैं, सोच होती है, विमर्श होता है, वाद विवाद होते हैं, बहस होती है, वहाँ से दिमाग परिपक्व होकर निकलते हैं, सिर्फ इसलिए नहीं होती यूनिवर्सिटीज़। तीसरी बात, अब ये ब्रेजन आउट कब तक कर पाएंगे ये देखना बाकी है। हम लेंगे ब्रेक, आप देख रहे हैं विनोद दुआलाए, कुछ ही देर में हाजिर होते हैं। सपने सच तब होंगे जब आप सपने दिखना शुरू करेंगे। ये शब्द हैं उस शख्सियत के जिसके सपनों ने दी इस देश को एक नई उड़ान, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। और ऐसे ही हर स्टूडेंट के सपने पूरे करेंगे हम, अंडर बेस्ट गाइडेंस ऑफ एक्सपर्ट फैकल्टी टीम। एडमिशन ओपन इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ह्यूमैनिटीज, सोशल साइंस, आर्ट्स एंड स्पोर्ट्स, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम यूनिवर्सिटी, इंदौर। फॉर द डिटेल्स कॉन्टैक्ट 1-800-300-26072। आप देख रहे हैं विनोद दुआ लाइव। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के खिलाफ आज विपक्षी दलों ने राष्ट्रपति से मुलाकात की। इस मुलाकात में कांग्रेस, RJD, TMC, वामपंथी दल, समाजवादी पार्टी के कई नेता मौजूद थे। विपक्ष ने कहा है कि सरकार को इस एक्ट को वापस लेना चाहिए। सोनिया गांधी जो विपक्ष की नेता हैं, उन्होंने कहा कि बात जब लोगों की आवाज़ दबाने की आती है तो मोदी सरकार इसमें कोई कसर नहीं छोड़ती। विपक्ष के नेताओं ने और क्या कहा, आइए सुनते हैं। दैट द BJP गवर्नमेंट, दैट द मोदी गवर्नमेंट सीम्स टू हैव नो कंपल्शन व्हेन इट कम्स टू शटिंग डाउन पीपल्स वॉइसेस एंड इंप्लीमेंट लेजिस्लेशन व्हिच डू नॉट सीम टू बी एक्सेप्टेबल टू द पीपल एंड टू अस इन अ डेमोक्रेसी। वी हैव आस्क्ड द प्रेसिडेंट to please advise the government to withdraw this diabolical divisive act straight in his he, as the head of the state unko government ko advice dena hai ye repeal karna hai withdraw karna hai ye nahi chalega ekdam nahi chalega kyunki this act only will affect the poorest of the poor nobody who is rich will be affected so, मेरा सवाल आप दोनों मेहमानों से है कि राष्ट्रपति से इस तरह की मीटिंग्स तभी मायने रखती हैं जब इदारों की, इंस्टीट्यूशंस की, संस्थाओं की इज्जत की जाए, जब संविधान की इज्जत की जाए, जब राष्ट्रपति का जो पूरा रुतबा है, दफ्तर है, उसकी इज्जत की जाए। क्या आपको आज की मीटिंग से कोई ठोस नतीजा निकलने की उम्मीद है? विनोद दुआ साहब, आप ये समझेंगे कि ये शख्स जिससे आप सवाल कर रहे हैं कि आज बड़े नेगेटिव मूड में है। मैं नेगेटिव मूड में नहीं हूँ। मुझे यह है कि मैं बहुत ज़्यादा क्या कहना चाहिए, डिसअपॉइंटेड हूँ जिस तरीके से हमारा देश, जिसके पर हमें बहुत बड़ा गर्व था, हमारी यूनिटी पे, हमारी डेमोक्रेसी पे, हमारी ओपननेस पे, आज मैं ये देख रहा हूँ। अब जैसे कह रहे हैं कि राष्ट्रपति जी हमारे बहुत बड़े सम्मान हैं उनके लिए, क्या वो मोदी जी को कुछ कह सकते हैं? मैं नहीं समझता। मनीष, देखिए, अपोजिशन ने ठीक किया है जो राष्ट्रपति जी के पास गए, क्योंकि वो लेकिन सतीश ने जो बात उठाई है,
हाँ मैं आता हूँ उस पर, लेकिन मुझे उससे को बहुत ज़्यादा उम्मीद नहीं है, क्योंकि ये अगर आप देखिए ये वही राष्ट्रपति हैं जिन्होंने महाराष्ट्र में मतलब आपने हम सब ने देखा चंद घंटों के अंदर जो महाराष्ट्र में प्रेसिडेंट्स रूल था उसको एब्रोगेट करके सुबह सुबह नई जो बीजेपी लैंड गवर्नमेंट थी उसको ओथ करवाई थी। सो देखिए जो ये अनफॉर्चुनेट है अभी कुछ समय में क्या हो गया है कि जो पद की गरिमा है वो देखिए जो लोग कहते भी हैं कि जो पद है वो आपको डिफाइन नहीं करता है, जो उस कुर्सी पे बैठा है वो उस कुर्सी को डिफाइन करता है। जी जी बिल्कुल। इसीलिए आप हिस्ट्री देखिए, कुछ लीडर हमारी हिस्ट्री में इंडिया की, ये जो पिछले 70 साल की हम बात करते हैं, आप इंडिपेंडेंट इंडिया की हिस्ट्री देखिए, कुछ प्राइम मिनिस्टर्स को आज भी लोग याद करते हैं, कुछ को भूल गए। जी मनीष ठीक है, तो राष्ट्रपति जी मुझे नहीं लगता कुछ कर पाएंगे, खासकर ये इसलिए क्योंकि ये राष्ट्रपति जी तो बनाए ही किसने हैं, मोदी जी ने। जी एक पुरानी कहावत है कि जैसा मनीष भी बता रहे हैं और सतीश ने भी इशारा किया कि जो कुर्सी है वो व्यक्ति को नहीं बनाती, व्यक्ति कुर्सी को बनाता है। दूसरे शब्दों में जो कुर्सी मिली है, जो ओहदा मिला है, उसके काबिल भी होना पड़ता है। हम आगे बढ़ते हैं। बिजनेस स्टैंडर्ड की रिपोर्ट बताती है कि देश भर में चल रहे विरोध प्रदर्शन का हमारी इकोनॉमी पर भी बुरा असर पड़ेगा। नरेंद्र मोदी ने इन्वेस्टर्स को हमेशा भारत की डाइवर्सिटी, विविधता का हवाला दिया है, लेकिन सरकार के फैसलों ने मोदी के इन दावों पर सवाल खड़े कर दिए हैं। ये रिपोर्ट कहती है कि अगर भारत की धर्मनिरपेक्षता कमज़ोर होगी तो उसका सीधा असर फॉरेन इन्वेस्टमेंट पर होगा। रिपोर्ट के मुताबिक लोगों का प्रोटेस्ट जितना तेज़ होता जाएगा भारत के मार्केट पर उतना ही असर होगा। देश की अर्थव्यवस्था पहले ही बुरे हाल में है और इस विरोध प्रदर्शन की वजह से किसी का भी ध्यान गिरती जीडीपी, लगातार गिरती जीडीपी, बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी जैसे मुद्दों पर नहीं है। आपको हम बता चुके हैं कि इस एक्ट के खिलाफ जारी प्रोटेस्ट के बाद जापान के पीएम शिंजो आबे, बांग्लादेश के विदेश मंत्री और गृह मंत्री का दौरा रद्द हो चुका है। ब्रिटेन, अमेरिका, कैनेडा, फ्रांस और उन्होंने अपने नागरिकों के लिए एडवाइजरी जारी कर दी है। बांग्लादेश के एक मंत्री ने तो यहाँ तक कहा है कि बांग्लादेशी इटली तक तैर कर चले जाएंगे लेकिन भारत नहीं आएंगे। अब भारत के लोग बांग्लादेश में काम ढूंढने आते हैं, नौकरियां पाते हैं, नौकरियों के मिलने तक उनको मुफ्त खाना भी दिया जाता है। हालात यहाँ तक पहुँच गए हैं। बहुत संक्षेप में, समय थोड़ा कम है, सतीश और मनीष दोनों से, नरेंद्र मोदी ने ब्लूमबर्ग ग्लोबल बिजनेस फोरम में, सन 2019 इसी साल में कहा था कि भारत इन्वेस्टर्स का इंतज़ार कर रहा है क्योंकि भारत में लोकतंत्र, आज़ाद जुडिशरी, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, प्रिडिक्टेबल पॉलिसी है। आप क्या कहेंगे, क्या भारत जो आज के दिन है वाकई इन्वेस्टर्स का इंतज़ार कर रहा है? भारत बेशक इंतज़ार कर रहा होगा, लेकिन सवाल ये है दुआ साहब कि क्या वो जो इन्वेस्टर्स जो शायद हमारी तरफ देख रहे थे क्या अब भी देख रहे हैं, क्योंकि जो हालात हमारे यहाँ पैदा हो रहे हैं क्या इन्वेस्टर्स वो रिस्क लेंगे? क्योंकि एक जब तक के स्टेबिलिटी नहीं होती कहीं भी, मैं अपने देश की बात नहीं कर रहा हूँ, कहीं भी अगर स्टेबिलिटी नहीं होती और इस किस्म की उथल पुथल हो रही होती है तो वहाँ पर इन्वेस्टर अपना पैसा लगा के कैसे एक रिस्क ले सकता है? जी मनीष, मैं सतीश ने मुझे दुरुस्त किया, भारत तो इंतज़ार कर रहा है इन्वेस्टर्स की, लेकिन जैसे उन्होंने कहा इन्वेस्टर्स यहाँ आने के लिए तैयार नहीं है, तो यहाँ के इन्वेस्टर्स हैं वो भी यहाँ पैसा लगाने को तैयार हैं? सर यहाँ के इन्वेस्टर्स भी कहाँ लगा रहे हैं, आपने जो टैक्स रेट था वो आपने कम कर दिया, आपने कहा हम टैक्स उनका कम कर रहे हैं, तो उसके बाद क्या हमारा जीडीपी बढ़ा, क्या इन्वेस्टमेंट बढ़ी है? बिल्कुल नहीं। आंकड़े दिखा रहे हैं हमारी मैन्युफैक्चरिंग अभी रिकॉर्ड लो पे जा रही है। अब मेरा देखिए इसमें जो छोटी सी बात वो है कि हर चीज़ एक जब घर के अंदर शांति रहती है तो घर खुशहाल रहता है और घर के बच्चे अच्छा करते हैं। अभी आपने अशांति फैला दिया और ये कोई बाहर से नहीं फैला रहा है, इसके लिए इस बार हम स्वयं खुद जिम्मेवार हैं, हमारी सरकार जिम्मेवार है। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ, अभी जो ये बच्चों के प्रोटेस्ट्स की है, अभी मैं थोड़ी देर पहले बॉम्बे हाईकोर्ट के जज हैं उनका एक लेक्चर सुना और उन्होंने एक बड़ी अच्छी बात की। उन्होंने कहा कि हालांकि वो इस प्रोटेस्ट्स की बात नहीं कर रहे थे, लेकिन उन्होंने कहा कि एक इलिबरल गवर्नमेंट जो होती है वो सबसे पहला काम क्या करती है, जो सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस है माने हमारी यूनिवर्सिटीज़ कॉलेजेस, उन पे धावा बोलती है।
बहरहाल सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के खिलाफ पाकिस्तान ने अपनी पार्लियामेंट में एक रेजोल्यूशन पास किया है। पाकिस्तान ने भारत के इस कानून को बराबरी और इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स के खिलाफ बताया है। भारत ने पाकिस्तान के संसद में पेश हुए इस प्रस्ताव को खारिज करते हुए कहा है कि पाकिस्तान सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गलत तरीके से दिखाने की कोशिश कर रहा है। भारत ने यह भी कहा है कि बिल के जरिए पाकिस्तान अपने देश में हो रहे अल्पसंख्यकों के साथ हो रहे खराब बर्ताव से ध्यान हटाना चाहता है। बहुत ही संक्षेप, समय बहुत कम है मेरे पास। हमने पाकिस्तान से सिर्फ सिखों, हिंदुओं, पारसियों, जैन, बौद्ध, ईसाइयों को नागरिकता देने का फैसला किया है। अहमदिया मुस्लिम, हाजरा, शिया बेशक ये अलग धर्म ना हों, इस्लाम के ही हिस्से हों, लेकिन पाकिस्तान में इन पर हो रही ज्यादतियों से क्या इनकार किया जा सकता है? बिल्कुल नहीं किया जा सकता। यहाँ से नहीं, शुरू से जफरुल्ला खान जो पाकिस्तान के पहले फॉरेन मिनिस्टर थे और जब कश्मीर के ऊपर यूनाइटेड नेशन में हुआ था 47 में, जफरुल्ला खान ने बहुत इम्प्रेसिव रोल दिया था। लेकिन उन्हीं दिनों के बाद उन्होंने इनको, ये जो अहमद याज को डिक्लेयर कर दिया कि मुसलमान है ही नहीं जी। और ये जहाँ तक ईसाइयों को देख लीजिए, उनके खिलाफ कुफ्र के नाम से कितने औरतों के ऊपर उन्होंने इंतजाम लगा कि उनको सदाए मौत दे दी। तो ये सब कुछ हुआ है तो अहमदिया ही हो गए। अहमदियाज के साथ जो और दूसरे किस्म के वो सारे क्रिश्चियन, सबका हाल बुरा है। देखिए, मैं इस सारे से हम लोगों को, जो भारत सरकार है और हम लोगों को, एक सबक लेने की ज़रूरत है कि आज देखिए पाकिस्तान एक फेल्ड स्टेट है, इसमें मतलब कोई शक नहीं है। वो भी हमारे को मतलब नसीहत दे रहा है, नसीहत दे रहा है। सो ये बांग्लादेश कह रहे हैं कि हम इटली चले जाएंगे, इटली चले, और ठीक कह रहे हैं, क्योंकि हर, अगर आप इंडेक्स पे देखिए, जीडीपी ग्रोथ पे देखिए या पर कैपिटा इनकम पे देखिए, बांग्लादेश हमसे आगे है। बिल्कुल जी, ठीक है। भुखमरी वहाँ कम है, हमारे यहाँ ज्यादा है, लेकिन हम यहाँ क्योंकि आपस में लड़ा रहे हैं और वोट के लिए लड़ा रहे हैं, इसलिए अभी लोगों का ध्यान इस पे नहीं है, लेकिन इवेंचुअली जाता है। ये भी हकीकत है कि पाकिस्तान के इकलौते नोबेल लॉरिएट डॉक्टर अब्दुल सलाम अहमदिया मुस्लिम थे, उनको पाकिस्तान से बाहर कर दिया गया था, उनकी कब्र तक खोद दी गई थी। तो ऐसे में सिर्फ हिंदू, सिर्फ पारसी, सिर्फ सिख, इनको रिलीजियसली परसिक्यूटेड माइनॉरिटी कहना भारत सरकार के लिए कहीं ना कहीं उचित नहीं है। बहुत धन्यवाद दोनों मेहमानों का। मैं एक मिनट में स्कोर ख़त्म करता हूँ। सुशांत सिंह पहले एक्टर हैं जिन्हें सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के विरोध में अपना स्टैंड जाहिर करने की कीमत चुकानी पड़ी है। सालों साल से सावधान इंडिया के नाम से एंकर रहे सुशांत सिंह को उनकी एंकरशिप से हटा दिया गया है। सुशांत के अलावा परिणीति चोपड़ा, स्वरा भास्कर, तापसी पन्नू, मलिका दुआ, अनुभव सिन्हा, जीशान अयूब, महेश भट्ट, ऋचा चड्ढा, ये वो फिल्म कर्मी हैं जो, महेश भट्ट को छोड़ दे तो, ये वो फिल्म कर्मी हैं जो अभी सलमान खान, शाहरुख खान, आमिर खान, अमिताभ बच्चन या दीपिका पादुकोणे, प्रियंका चोपड़ा नहीं बने हैं। ये एक करियर की शुरुआत कर रहे हैं ये लोग, और इन लोगों ने स्टैंड जाहिर कर दिया है। जहाँ पर शिखर के सितारों में मोदी के चरणों में बिछने की होड़ लगी हो, वहाँ इन लोगों ने सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट पर अपनी पोजीशन जाहिर कर दी है। सब इसके खिलाफ हैं, सिवाय बड़े सितारों के जो हमेशा की तरह विवादास्पद मामलों में अपने अपने दड़बों में दुबक जाते हैं और जब हालात सामान्य होते हैं तो अनुपम खेर बनकर बाहर उभर आते हैं। हम सलाम करते हैं नौजवान फिल्मकारों के जज्बे को और ये चेतावनी देते हैं तमाम महानायकों और नायिकाओं को कि या तो वो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के मुद्दे पर अपनी पोजीशन जाहिर करें, चाहे समर्थन में हो या विरोध में, या बार बार किसी कॉज या सरोकार के कंधे पर सवार होकर ब्रांड एम्बेसडर बनकर हमें जीने की राह मत दिखाइए। कवि रामधारी सिंह दिनकर ने आप ही के लिए लिखा था, समर शेष है, यानी जंग की अभी शुरुआत है, जंग अभी जारी है, जंग बाकी है। समर शेष है, नहीं पाप का भागी केवल व्याध। पाप का जो भागी ही पाप में हिस्सेदार, वो सिर्फ व्याध नहीं है, व्याध होते हैं बहेलिए, जो चिड़ी मार भी बोलते हैं जिनको, जिनके व्याध वो बहेलिया था जिसके तीर से श्री कृष्ण की मौत हुई थी गुजरात में आज के भुसावल के नज़दीक। तो समर शेष है, नहीं पाप का भागी केवल व्याध, जो तटस्थ हैं समय लिखेगा उनका भी अपराध। आने वाली नस्लें आपको अपराधी ना माने, बेहतर है अपनी पोजीशन साफ कीजिए। कल रात आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।